देखिए बात, आप सभी का स्वागत है और चलिए अब नजर डालेंगे हमारे खास बुलेटिन खबर तहसील पर और सबसे पहले बात जयपुर संभाग की खबरों की। अलवर के राजगढ़ में स्वामी अमन भारती महाराज ने प्रेस वार्ता की, गुरु पूर्णिमा पर होने वाली संगीतमय श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जानकारी दी। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक होगी श्रीमद भागवत गीता। मुहाना में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। छात्रावास से बालिकाओं को बताया पेड़ पौधे का विस्तार, बालिकाओं ने देखरेख करने के लिए संकल्प लिया। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ महाराज को गर्भगृह से निकाला बाहर और देखिए बाहर निकालकर भक्तों ने दर्शन दिए। भक्तों ने दर्शन कर लगाए जयकारे। कल शाम 8 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान जगन्नाथ महाराज की निकाली जाएगी रथ यात्रा। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजित कुमार हिंगर के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण के लिए गो ग्रीन कैंपेन के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी अधिकारियों से वार्तालाप में पर्यावरण संरक्षण हेतु चर्चा की गई। राजगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। बूथ संख्या 56 में संकल्प आईटीआई परिसर में पौधारोपण किया। 25 पौधों का रोपण किया। चुमू शहर में बारिश हुई, नगर परिषद प्रशासन की पोल खुली। चुमू शहर की थाना मोड़ चौराहे पर जगह जगह गहरे गड्ढे हुए। थाना मोड़, एसडीएम सरकारी आवास और पुलिस थाने के बाहर भी गड्ढे। इन गहरे गड्ढों के कारण कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सांबर झील क्षेत्र में कुत्तों के झुंड ने एक नील गाय के बच्चे को घायल किया। गंभीर रूप से घायल गाय के बच्चे को करवाया उपचार। सिकराई के रारोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधानाचार्य कृपाशंकर मीणा और सरपंच प्रतिनिधि समुद्र गुर्जर सहित स्कूल स्टाफ ने स्कूल परिसर में छात्रों के साथ छायादार और फलदार पौधे लगाए। सांगानेर में नव विकल्प नशा मुक्ति केंद्र शिविर C19 प्रोग्राम के तहत स्क्रीनिंग निःशुल्क शिविर में 55 एक्स्ट्रा और 56 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। शुगर बीपी सहित कई जांच करके परामर्श दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। सावरिया बिठाने को लेकर बस ड्राइवर के बीच लड़ाई, पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया। खाटू श्यामजी भी सवारियों को बिठाने के चक्कर में करते हैं लड़ाई। सीकर में भारी बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया, वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुली। लोसल कस्बा भारी बारिश के बाद टापू बना है। शहर के मुख्य मार्केट पानी भरने से बंद करने पड़े। लुनियापुरा के शिव शक्ति कॉलोनी में देर रात चोरों का आतंक देखने को मिला। दैनिक उपयोग का सामान बर्तन आदि लेकर चोर हुए फरार। सूचना मिलने पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। कहा इस बार उपचुनाव में भाजपा की होगी बंपर जीत। गांव के ग्रामीणों ने दिखाई मानवता। घायल नीलगाय के बच्चों को पकड़वाने में वन विभाग के अधिकारियों की मदद। घायल नीलगाय के बच्चों को इंद्रपुरा नर्सरी में उपचार के लिए रखवाया। चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। फलौदी जिले के चिकित्सा विभाग के समस्त चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों को भरने की मांग। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ फलौदी ने कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रवक्ता अशोक गोद्रा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर जिले के बावड़ी में मूसलाधार बारिश का दौर हुआ शुरू। बिराई सहित आसपास के गांवों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों की खरीफ फसल के लिए लाभदायक साबित होगी बारिश। जोधपुर में बदला मौसम का भिजवा, तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू, जिससे लोगों ने काफी राहत महसूस की गर्मी से। जैसलमेर के एडीएम ने पंचायत समिति नाशना कार्यालय का निरीक्षण किया। एडीएम ने कार्यालय में स्थित विभागों लेखा शाखा, निर्माण शाखा, संस्थापन शाखा, स्वच्छ भारत मिशन शाखा का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सुदृढ़ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे में मूसलाधार बारिश हुई। तेज गर्मी और उमस ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई और देखिए बारिश का दौर करीब 1.5 घंटे तक चला। किसानों ने खेतों में बाजरा, मूंग और मोठ की बुआई करना भी शुरू किया है। नाचना अल्पसंख्यक छात्रावास में भोजन नहीं मिलने का मामला फर्स्ट इंडिया न्यूज में खबर प्रसारित होने के बाद जिला अल्पसंख्यक कार्यालय की ओर से पहुंचाई गई खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री पहुंचने के बाद विद्यार्थियों को राहत मिली।
संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के विरोध में नाशमा के किला चौक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सीमा जन कल्याण समिति बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध यहां पर जताया और पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। सीमा जन कल्याण समिति जैसलमेर के संगठन मंत्री रह चुके स्वर्गीय भीख सिंह भाटी की स्मृति में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में जोधपुर संभाग की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फलौदी में प्रतिदिन लगता है ट्रैफिक जाम, दर्जन बैंक, जिला अस्पताल, नर्सिंग होम सबकी पार्किंग सड़क पर, पार्किंग से रहती है दुर्घटनाओं की आशंका। राष्ट्रीय डीलर्स ने दिया ज्ञापन, डीलर्स को हर महीने 30,000, सहायकों 8,000 मासिक की मांग और ज्ञापन के समय सभी डीलर्स मौजूद रहे। बालोतरा में युवक का अपहरण कर मारपीट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि एक नाबालिग को संरक्षण मिल गया। वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया। और चलिए अपना नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। देसूरी की नारलाई के दर्जन किसान तहसील कार्यालय पहुंचे, तहसीलदार को ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया। तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन दिया कि मामले की होगी जांच। देसूरी में एक दर्जन पेड़ लगाकर वृक्षारोपण किया, वृक्षारोपण कर उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सभी लोगों ने ली। राठीलाव तालाब के किनारे किया वृक्षारोपण। सुमेरपुर के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक वितरण की गई। साथ ही प्रतिभावान छात्राओं को शिक्षकों ने प्रोत्साहन कर नकद राशि भेंट की। बडलू थाने के जावाल से गोल जाने वाले मार्ग पर देर रात निर्माणधीन पुलिया की दीवार से एक बाइक सवार युवक टकराया। हादसे के बाद बाइक सवार उछलकर पुलिया की दीवार से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। श्रीकरणपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3FC में मनरेगा श्रमिकों से शाला में सहजन की 100 पौधे तैयार की गए। देखिए प्रधानाध्यापक राजकुमार नागपाल ने ग्लोबल वार्मिंग और पौधों का महत्व बताते हुए हर घर में पौधा लगाने का संकल्प दिलाया। शाला में बच्चों के जन्मदिवस पर बच्चों से पौधा लगवाया जाता है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में पुलिस पर नाजायज दवा बनाने वालों को 11,32,119 रुपए का नोटिस मिला। पानी की टंकी पर छोड़कर पुलिस पर दवा बनाने की कोशिश। और चलिए अपना नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। मेरता में वस्त्र व्यापार संघ की आम बैठक, में मेरता वस्त्र व्यापार संघ की पदाधिकारियों का सर्व समिति से चयन किया गया। चयन हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य को माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। ब्यावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया प्रवेश उत्सव, विद्यार्थियों का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। लाडू में पॉक्सो एक्ट की जानकारी देने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में 1098 नंबर का उपयोग कैसे करें और इस नंबर को कैसे याद रखें इस पर भी प्रकाश डाला। मेरठ सिटी में लोकसभा अध्यक्ष बिरला का सम्मान, ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर अखिल भारतीय अध्यक्ष राजकुमार भूतड़ा के नेतृत्व में माहेश्वरी समाज ने दिल्ली स्थित निवास पर सम्मान किया। नागौर के ज्वाइल में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने आयुर्वेद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और कृष्ण गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया। नागौर के ज्वाइल में जिला कलेक्टर ने संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। ज्वाइल की अंबेडकर भवन में शुभारंभ और देखिए कार्यक्रम में प्रधान जीवना देवी गोदारा, उपखंड अधिकारी अभिलाषा सहित जिला परिषद सीईओ रविंद्र कुमार मौजूद रहे। डीडवाना की पीलवा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की कब्जे से अवैध देशी पिस्टल की जब्त। गिरफ्तार आरोपियों में जिला स्तरीय टॉप 10 में चिन्हित 5,000 रुपए के नामी वांछित आरोपी प्रहलाद भी शामिल है। अजमेर के पिसांगर में मॉनसून मेहरबान, तेज हवाओं के साथ करीब 1.25 घंटे तेज बारिश हुई। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं बुआई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार करते किसानों के चेहरे खिल उठे। ब्यावर में सीआरपीएफ के शहीद जवान का शहादत दिवस मनाया गया। चिवनपुरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद जवान सोहन सिंह की 32वां शहादत दिवस पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए याद किया। ब्यावर में अडॉप्ट स्कूल अभियान की पहल, सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री, स्कूल ड्रेस और फीस उपलब्ध करवाई।
नागौर में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, नागरिक सुरक्षा के जवान आपदा से निपटने के लिए तैनात। हर साल बरसात के दिनों में डूबते हैं कई इलाके। ब्यावर शहर की नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम नंदनगर में सतगुरु स्वामी टेवराम चालीसा महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रचार प्रमुख नरेंद्र जेसवानी ने बताया कि प्रतिदिन प्रेम प्रकाश आश्रम में चालीसा वंदन किया जा रहा है। शाम को दरबार में सत्संग और प्रवचन हो रही है।